प्रीमेच्योर मेनोपॉज एक तो हेरिडिटी बेस्ड भी हो सकता है, कुछ फीमेल्स में जेनेटिक बेस्ड होता है। सपोज उनकी मदर को या ग्रैंड मदर को अगर प्रीमेच्योर मेनोपॉज हुआ है तो उस फीमेल में थोड़ा पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है प्रीमेच्योर मेनोपॉज की एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फीमेल। दूसरा रीजन ये होता है, सपोज किसी की सर्जरी करनी पड़ती है, ओवरीज को निकालना पड़ता है ड्यू टू कैंसर और समहाउ अगर दोनों तरफ सिस्ट हैं, बड़ी बड़ी डर्मोइड सिस्ट हैं, तो उस केस में भी ओवरीज को निकालना पड़ सकता है। तो ओवरीज ओवरीज आर द मेन सोर्स टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो हार्मोन्स बनते हैं वो ओवरीज के अंदर ही बनते हैं। अगर ओवरीज ही निकल जाती है तो हार्मोन्स भी बनने बंद जाएंगे और प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है। या फिर कैंसर में किसी को कीमोथेरेपी देना पड़ रहा है, रेडियोथेरेपी देना पड़ रहा है, तो उस केस में भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज के सिम्टम्स में सबसे पहले तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। जैसे किसी को मान लो रेगुलरली पीरियड आ रहे हैं, यूजुअली फीमेल को हर महीने मेंसेस होते हैं, लेकिन किसी को मान लो 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद इस तरीके से पीरियड्स आने शुरू होते हैं, इसका मतलब मेनोपॉज की स्टार्टिंग हो सकती है। और अगर किसी फीमेल को 12 मंथ्स क्रॉस होने के बाद भी पीरियड नहीं आता है तब उनको बोलते हैं कि वो प्रीमेच्योर मेनोपॉज में एंटर कर सकते हैं। बाकी इसके सिम्टम्स में हॉट फ्लशेस हो सकते हैं, नाइट में हॉट फ्लशेस का मतलब है कि नाइट में एकदम से स्वेटिंग होना, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फर्टिलिटी डिमिनिश हो सकती है। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज। प्रीमेच्योर मेनोपॉज में ओवरीज हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है, ओवरीज का साइज छोटा हो जाता है और वो हार्मोन्स ही बनाना बंद कर देती है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। और फर्टिलिटी जब ओवरीज में एग खत्म हो जाएंगे तो फर्टिलिटी भी डिमिनिश हो जाती है। लेकिन पीसीओडी में देर कैन बी हार्मोनल इम्बैलेंस, ओवरीज की वॉल्यूम नॉर्मल रहती है लेकिन वो टाइमली एग रिलीज नहीं कर पाती ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, और एग रिलीज नहीं करने की वजह से देर कैन बी फर्टिलिटी इश्यूज। तो मेनोपॉज में ओवरीज काम करना बंद कर देती है, लेकिन पीसीओडी में ओवरीज काम करती है लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। अगर पीसीओडी के हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट कर देते हैं तो एक फीमेल कंसीव कर सकती है, नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर सकती है, लेकिन प्रीमेच्योर मेनोपॉज में उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ओवरीज के सारे एग खत्म हो जाते हैं तो उनको करेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि एग जब एक फीमेल का बर्थ होता है उसी टाइम उनकी अमाउंट डिसाइड हो जाती है, और अगर एग नहीं बचेंगे तो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, भले ही हम कुछ भी ट्रीटमेंट दे दें। केवल अगर कोई फीमेल प्रीमेच्योर मेनोपॉज के बाद कंसीव करना चाहती है तो उसको डोनर एग का सहारा लेना पड़ता है, जबकि पीसीओडी में ऐसा नहीं होता है, पीसीओडी को करेक्ट किया जा सकता है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज में कुछ हमारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे FSH लेवल अगर ये मोर देन 40 चली जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये फीमेल देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग प्रीमेच्योर मेनोपॉज। दूसरा अल्ट्रासाउंड भी हम करा के देख सकते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड में भी जो ओवरी की वॉल्यूम कम आ रही है या फिर यूट्रस की जो लाइनिंग है जिसकी हर महीने शेडिंग होती है पीरियड्स के टाइम में, अगर वो लाइन थिन होनी शुरू हो जाती है तो भी हम कह सकते हैं कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज स्टार्ट हो गया। प्रीमेच्योर मेनोपॉज में हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मेंटेन देयर बॉडी, लेकिन अगर प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बन पाते और एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से देयर कैन बी ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं, फीमेल को हॉट फ्लशेज होने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, साइकोसेक्सुअल इफेक्ट पड़ता है, वेजिनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। फर्टिलिटी इश्यूज हैं, वो कंसीव नहीं कर पाती प्रीमेच्योर मेनोपॉज के बाद, सो दीज आर द मेन। जिनका जेनेटिक बेस्ड होता है
ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है प्रीमेच्योर मेनोपॉज़ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लाइफस्टाइल अगर कोई चेंज कर लेते हैं, जैसे स्मोकिंग का भी इफेक्ट पड़ता है प्रीमेच्योर मेनोपॉज़ पे, स्मोकिंग करा सकती है प्रीमेच्योर मेनोपॉज़। तो अगर एक फीमेल अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है, वेट को कंट्रोल करती है, स्मोकिंग को क्विट करती है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार अगर प्रीमेच्योर मेनोपॉज़ हो जाता है तो हम कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। वी कैन गिव हर एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऐसी फीमेल्स को देना जरूरी होता है, क्योंकि यूजुअली मेनोपॉज 45 टू 50 इयर्स की एज ग्रुप पे होता है, लेकिन प्रीमेच्योर मेनोपॉज जो कि लेस देन 40 इयर्स की एज ग्रुप में हो जाता है, तो सेनाइल चेंजेस जल्दी आ सकते हैं। जैसे वजाइनल प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, वो जल्दी आने शुरू हो जाती है। तो ऐसी फीमेल्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं ताकि वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर पाए और मूड स्विंग्स हैं इन चीजों से बच पाए, हॉट फ्लशेस को कंट्रोल कर पाए। वी विल आस्क हर टू फॉलो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड लेना है, वेट कंट्रोल करना है।